यूपीकरण शुरू होने में अब बहुत दिन का समय नहीं बचा है, बल्कि लग तो ऐसा रहा है कि 10 फरवरी काफी नजदीक आ चुकी है, जिस दिन पहले चरण के लिए मतदान किया जाना है। उससे पहले और खबरों के साथ साथ ऐसी सीट के बारे में भी बात कर लेना जरूरी है जहां जीत तो बीजेपी को मिली थी, लेकिन दूसरी पार्टी के भी जीतने के पूरे चांसेस, क्योंकि हार जीत में वोटों का अंतर न के बराबर था। ऐसी सीटों की हर चुनाव में अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जीते हुई पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन जाती है और जो पार्टी हारती है वो और ज्यादा जान लगा देती है, तो सीट का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। ये मुद्दा उठा है सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह को लेकर। पिछले चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 171 मतों से। जी हाँ, सिर्फ 171 वोटों से इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सैयदा खातून की किस्मत जीत की जगह हार में तब्दील हो गई थी। डुमरियागंज मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 1.5 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे में जब सैयदा खातून को यहाँ से हार मिली तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो वो आसानी से जीत जाती। वहीं बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप ने कम अंतर से जीत पर कहा कि लोगों को लगा था कि मैं तीसरे नंबर का उम्मीदवार हूं। करीब 20,000 ऐसे वोट थे जो लोगों ने इसलिए नहीं दिए कि मैं हार रहा हूं। अब हालात के हिसाब से दोनों के बयान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज सीट ऐसी अकेली सीट है जिस पर जीत हार के बीच अंतर इतने कम मतों का रहा हो। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। डुमरियागंज सीट से बीजेपी ने बसपा प्रत्याशी को 171 मतों से हराया। मीरापुर सीट पर बीजेपी ने सपा प्रत्याशी को 193 वोटों के अंतर से हराया। मार्ट सीट पर बसपा प्रत्याशी ने आरएलडी प्रत्याशी को 432 वोटों से हराया। श्रावस्ती सीट पर बीजेपी ने सपा के प्रत्याशी को 445 मतों से मात दी। मोहनलालगंज सीट पर सपा ने बसपा प्रत्याशी को 530 मतों से हराया। मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर भाजपा ने बसपा प्रत्याशी को 538 मतों से मात दी। रामपुर मनिहारन सीट पर भाजपा ने बसपा प्रत्याशी को 595 मतों से हराया। मुबारकपुर सीट से बसपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 688 वोटों से हराया। दुद्धी विधानसभा सीट पर अपना दल ने बसपा प्रत्याशी को 1085 मतों से मात दी। भदोई सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 1105 वोटों से हराया। पट्टी सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी से 1473 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मटेरा सीट पर सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 1595 वोटों से हराया। बांसडीह सीट पर सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को 1687 वोटों से हराया। टांडा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 1725 मतों से हराया। महमूदाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 1906 वोटों से हराया। ऊंचाहार सीट पर सपा ने बीजेपी प्रत्याशी को 1934 वोटों के अंतर से हराया। भरतना सीट पर बीजेपी ने सपा प्रत्याशी को 1968 वोटों के अंतर से हराया। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि ये यूपी की ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की लहर होने के बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी हारते हारते बचे हैं। जीत और हार के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। जानकार मानते हैं कि हर चुनाव में ऐसी करीब 10-15% सीटें होती हैं जिनमें जीत और हार के बीच वोटों का अंतर मामूली सा ही होता है। हाँ, अगर विधायक चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर उसी विधायक के जीत की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन बीजेपी का काम धरातल पर कैसा दिख रहा है ये तो आपको और हमें अच्छे से पता ही है। ये भी एक वजह है जो बीजेपी इस बार के चुनाव से डर रही है कि कहीं हाथ में आई सीटें इस बार के काम को देख हाथ से निकल ना जाए। 2017 में 27 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत हार के बीच का अंतर 2000 से 5000 के बीच का रहा, जो अंतर भी चुनाव में जीत और हार तय करने के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 8 विधानसभा सीटों पर मतों का अंतर 0 से 1000 के बीच रहा। इन 8 सीटों में 5 पर बीजेपी जीती, 1 पर सपा जीती, बसपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। 9 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिनमें मतों का अंतर 1000 से 2000 के बीच का रहा। इन 9 सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती, 4 पर समाजवादी पार्टी जीती, बाकी 1 अन्य पार्टी के खाते में गई। 9 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिन पर वोटों के बीच का अंतर 2000 से 3000 के बीच रहा। इन 9 सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती, 4 पर समाजवादी पार्टी जीती और 1 पर बहुजन समाज पार्टी जीती।
11 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर मतों के बीच का अंतर 3000 से 4000 के बीच का रहा था। इन 11 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 1 पर सपा को जीत हासिल हुई और 3 पर बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल हुई। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में सीटें चली गई। 7 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर मतों के बीच का अंतर 4000 से 5000 के बीच का था, जिनमें से 4 पर बीजेपी जीती थी, 3 सीटों पर सपा को जीत हासिल हुई थी। कुल मिलाकर ऐसी 44 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी जीती, 13 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई और बसपा के खाते में गई 6 सीटें। कुछ इक्का दुक्का अन्य पार्टियों को भी सीटें मिल गई थी। जानकार मानते हैं कि जब पार्टियां गठबंधन करती हैं तो इन सीटों का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसी सीटों पर विशेष फोकस रखा जाता है जहां हार और जीत के बीच में अंतर काफी कम मतों का होता है, और समाजवादी पार्टी ने तो हर सीट पर अपनी नजर रखी हुई है, तो ये सीटें तो उसके लिए आकर्षण का केंद्र होंगी ही। आप अंदाजा लगाइए, 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार और जीत का अंतर काफी मामूली है। ये सीटों की संख्या ऐसी है जो चुनाव में जीत का ताज एक पार्टी के सिर से उतार कर दूसरे पार्टी को पहना सकती है। अब तय पार्टियों को करना है कि इन कम अंतर से जीत हार वाली सीटों का करना क्या है, इन्हें कैसे अपने खाते में डालना है। हालांकि अखिलेश इन सीटों पर कोई ना कोई कमाल तो इस बार के चुनाव में जरूर दिखाने वाले हैं, ये निश्चित है। आपका इन सीटों के बारे में क्या ख्याल है? इन सीटों के सपा के खाते में जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।